क्लास आफ्टर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर. तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज न्यूट्रिशन एसेंशियल. न्यूट्रिशन क्यों एसेंशियल होता है? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इज एसेंशियल बिकॉज इट प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि ये क्या करता है? पोषण नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसलिए न्यूट्रिशन एसेंशियल होता है. वेरी इजी. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिस्क्राइब करनी है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कंपाउंड से किस में हम कन्वर्ट करते हैं? सब्सटेंस में, फूड सब्सटेंस में. थर्ड इज नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटो. अब फोटोसिंथेसिस जब हम करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल क्या होता है? अलग से हेडिंग थी पूरे चैप्टर में. तो रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल. इजी. फोर्थ, वॉट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पहले भी बताया था, जो दो लोग एक साथ रहते हैं दोनों के लिए, दोनों लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं एंड शेयर करते हैं शेल्टर, रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स. एक जना उसके लिए खाना बनाता है, दूसरा जना उसे शेल्टर देता है. दियर एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल भी दिया था हमने लाइकेन का. लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशन किस किस के बीच में? एल्गा एंड फंजाई. ये क्या करते हैं? साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर एंड डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ईच अदर. और दोनों मिलकर न्यूट्रिएंट बनाते हैं और एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि चैप्टर में था कि एल्गा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करते हैं और फंजाई क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू.